नहीं, वो भांजी है मेरी। अच्छा अच्छा भांजी, आपका नाम क्या है? मेरा हाँ। मुक्ता। क्या हुआ मुक्ता को, क्यों आई मनु भैया के पास, क्या मांगने आई अपने भाई से? स्पाइन टीवी बताया था मेरे को। कैसे? दर्द रहता था यहाँ, ये इधर। अच्छा एक बात बताओ, आप हॉस्पिटल में जब पहली बार गए तो ऐसा क्या हुआ था जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा? कमर में नसें खड़ी होती थी, ऐसे दर्द होता था, ये नसें खड़ी ऐसे ही नसें खड़ी हो गई हैं। हाँ, लेटते बैठते हर टाइम। हाँ, और बहुत भयावह दर्द होता था हर टाइम। ये दर्द कब से हो रहा था? मुझे सितंबर से 2 महीने पहले से दर्द चल रहा था कमर में, हालांकि इतना तेज नहीं था। फिर वो जब भी कभी लेटने बैठने लगी तो मेरा दर्द बढ़ जाता था, एक्यूट होने लग गया। अच्छा, फिर? और फिर वो नसें ऐसे धक्का देने लग गई थी पूरा कमर में इधर। अच्छा, फिर डॉक्टर से टेस्ट कराए? टेस्ट कराए, क्या आया? उसमें कुछ नहीं आया, टेस्ट सब एकदम ओके। पहले फिर MRI कराई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि स्पाइन में टीबी है आपकी, रीढ़ आपकी मुड़ रही है, रीढ़ की हड्डी आपकी मुड़ रही है। मुड़ रही है, 5 ही महीने के अंदर मुड़ गई। हाँ, उससे पहले ठीक। डॉक्टर को ये नहीं पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपकी रीढ़ सीधी है? क्यों नहीं पूछा भाई, क्या आपकी रीढ़ सीधी है? आपकी रीढ़ सीधी है? आपकी रीढ़ सीधी है? आपकी रीढ़ सीधी है? सबकी मुड़ी हुई है रीढ़, बस बताया था रीढ़। इसकी नहीं मिली भाई रीढ़ बताई। एक बात मैं मुक्ता आज तेरे को बता देता हूँ, एक बात, हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं हमें दर्द होता है, आगे ना, अगर हमें दर्द ना हो तो हम डॉक्टर के पास कभी जाए ना। बताइए, बुखार में भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है और हमारा शरीर टूटने लगता है, तभी हम डॉक्टर के जाते हैं, वरना तो हम बुखार भी सहन कर ले, हमें पता ही नहीं चले बुखार आया गया है कि नहीं। लेकिन कुछ रोग डॉक्टर के होते हैं, कुछ रोग डॉक्टर के होते ही नहीं। मुक्ता जी को चाय पिलाई जाए। मुक्ता नीचे बैठ जाओ, एकदम से बैठ जाओ बिना डरे, भगवान का नाम लेके बोलते बजरंगबली महाराज की जय। ये तो बैठ गई, इसकी बेल्ट दिखाना, कौन सी बेल्ट है भाई? मुक्ता तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला? पापा को पता था, मुझे नहीं। कौन से पापा को? अच्छा लीजिए चाय लीजिए, मुक्ता जी चाय, मुक्ता जी को चाय दीजिए। ये वाली बेल्ट बोलते बजरंगबली महाराज की जय। ऐसी तो देखो घोड़े के जीन कसी जाती है, मुझे तो घोड़ा बना दिया मुक्ता। चाय पी? चाय की मना की है डॉक्टर ने? नहीं, टीवी में मना है वैसे, वैसे वो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला अलग से। आँख में जलन होती है? आँख में मुक्ता, कहीं और भी दर्द होता है? बेचैनी और घबराहट होती है कभी कभी रात को, फिर एकदम नींद खुल जाती है। फिर उसके बाद जब कोई भी अपना मंत्र कुछ भी जाप कर लूंगी, शांति पड़ती चली जाएगी, सो जाऊंगी। ऐसा समझा नहीं कि मैं मंत्र जाप करती हूँ शांति पड़ती चली जाती है फिर मैं सो जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा, नहीं सोचा, सोचा कि भगवान मदद करता है कष्ट हटने में, बस इसकी। अच्छा ये पता चला कि भगवान मदद जरूर करता है। पहले शिवजी अपने आप आते थे मन में, अब कृष्ण जी आते हैं इन दिनों। अच्छा हाँ। तो जैसे जो रीड है, हाँ। जब आप मेरे पास आए यहाँ खड़े हुए इस यज्ञ कुंड पे खड़े हुए, तब आपको क्या महसूस हो रहा था? हाँ, तब कोई दर्द था? हो जाऊंगी, दर्द होता है बस। नहीं ये तो था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मनु भैया आएंगे बात करेंगे मुझसे, है ना, अपना कोई वर्चस्व दिखाएंगे, मेरा भी हवन करेंगे, मुझे भी लाभ होगा, बस ये बात थी, ज्यादा कुछ ये नहीं पता था कि मैं बेल्ट खुलवाऊंगा, आपका जाप करूंगा, आपको बताऊंगा हनुमान जी की महत्ता क्या है जीवन में, ये नहीं पता था। नहीं, कुछ ऐसा। चाय पीजिए, चाय कमाल हड्डी है। ये पानी डाल दिए भाई, दर्द कहाँ है मुक्ता? दर्द कहाँ है? अब चाय कहाँ है? बोल लेगी? अरे इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो मुक्ता ही ले लेगी। आधी चाय बहुत चाय पीती है मुझे पता है, हंस रही है। ये तो इसके पापा साथ में आए, वरना तो अब तक पता नहीं कितने कप चाय पी जाती, जैसे धाम की लड़कियां रखती है ना अपने आसपास में 3-3 कप ऐसे चाय के, है ना, और सारी चाय पीती है, ऐसे करती है मुक्ता का तो। कौन से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है बहरा? अभी जग प्रवेश अस्पताल दिल्ली में। दिल्ली देवली में? दिल्ली 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 में कहाँ पे है ये?
शास्त्री पार्क। कितना पैसा इसके ऊपर लग चुका है? 1.5 लाख से ऊपर लग गया। तेरी हालत उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। यही बात एक्यूरेट कोई आराम नहीं पड़ा। एक्यूरेट कोई आपके पिता ये बात कह रहे हैं। कौन बात कह रहा है? पिताजी। हाँ। कौन कह रहा है? पापा जी। पापा जी नहीं होता, पापा का मतलब ये आता है, हे पाप तू आ आगे। और डैडी का मतलब ये होता है कि ये वो मम्मी है। मम्मी का मतलब तो तुम जानते हो ना, है एक औरत एक आदमी मरा हुआ लिपटा हुआ पट्टियों में, वो मम्मी। और डैडी का मतलब तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? डैड का मतलब क्या होता है पता नहीं है? देखिए ये दोनों शब्द अंग्रेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे की राम कहानी सुनिए ध्यान से। हम जब इंडिया में पैदा होते हैं तो हमारी माँ हमें अपना दूध पिलाती है, अपने स्तन से। क्या पिलाती है? अपने स्तन से हमारी माँ हमें दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है। और हम 5-7 साल माँ के ही चिपके रहते हैं, उसी के ऊपर पैर रख के, उसी के पेट के ऊपर अपना पैर रख के सोते हैं, ठीक है कि नहीं? और माँ माँ करते हैं, चिल्लाते हैं, वो हमें पीटती है, दुलारती है, पुचकारती है, हमें उसकी सारी बात याद रहती है। बाद में हमारा पिता हमारे ऊपर पढ़ाई में इतना पैसा खर्चता है कुछ अदरी। क्या अंग्रेज खर्चते हैं? क्या वो इस तरह अपने बच्चों को पालते हैं? बताइए मुझे। तो इसलिए उनके बच्चे उनको मार के रखते हैं पहले ही कि मम्मी वो जो मरी हुई लिपटी पड़ी है पट्टियों में, इसने ना दूध पिलाया ना हमें पाला है ना कुछ किया है। और पापा वो जो पाप है वो हमारे घर में आ गया है, यानी कि ये पाप है। अब पाप करके ही आता है। अंग्रेज ज्यादातर जो है वो ऐसे ही रहते हैं, पूरा दिन उनकी जो एक्टिविटी होती है वो हिंदुस्तानियों की तरह नहीं होती है कि सवेरे उठ के हजारों को राम राम करी, ठीक है ना? वो तो आंखें भी ऐसे करके घुमा के देखते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अंग्रेजों को देखा है, वे सही से बात ही नहीं करते। ये तो अगर हमारे वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी महाराज, तो इनको रामकृष्ण कहना कौन सिखाता, ठीक है? तो फिर तुम्हें तो पता होना चाहिए अंग्रेज कैसे घूर घूर के देखते थे हिंदुस्तानियों को, कैसे क्या क्या कहते थे, है कि नहीं? नहीं नहीं सही। हाँ तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को एक दूसरे से नफरत करनी सिखा थी। क्यों? क्योंकि ये द्वेष उनके यहाँ भरा हुआ था। बात रही दूसरी डैड की, किसकी? डैड की। वो तो पहले ही मरा हुआ है, मतलब उन बच्चों का बाप ही मरा हुआ होता है। पढ़ाता सरकार है, पालती सरकार है ना, लोन सरकार देती है, क्यों जी घर सरकार दिलाती है। तो वहाँ माँ बाप का कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ माँ बाप का मतलब है। इसलिए हमारी माता जी होती है और हमारे सबके पास एक माँ होती है। हम बोलते हैं माँ 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 है। और कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। क्या होते हैं? पिताजी। पिताजी होते हैं। और पिताजी के पिताजी पर पिता माँ पिता महा होते हैं, है कि नहीं? आपने देखा ना अर्जुन को बोलते हुए महाभारत में पिता माँ कहते हुए, देखा है कि नहीं देखा है? यार तुम बताते नहीं, तुम भारतीय कम लगते हो, मुझे अंग्रेज ज्यादा लगते हो। नहीं देखा है? देखा, देखा है। दर्द कहाँ है? चाय पिएगी? नहीं बस। अच्छा चल के दिखाऊं घास पे, जैसे दर्द रही थी जीवन ऐसे ही चलना है। अरे तू ऐसे क्यों कर रही है, बीमार है? नहीं अभी तो मैं बैठा हूँ बेटा, घर पे तो कैसे व्यवहार कर लेना ना। अभी तो मैं बैठा हूँ, वहां जाओ, वहां जाओ, चलो घास पे वहां खूब दौड़ो। यही हो जाता है ना, इतने इतने दिनों से आप आराम से उठते हैं आराम से बैठते हैं, ऐसे कर करके बैठते हैं आदत पड़ जाती है। अरे तेज चलना, क्या हो रहा है तुझे? तेज चल के बताना मुझे, यहाँ दर्द हुआ तभी तो मुझे पता चलेगा तुझे और भी रोग है क्या कोई। हाँ जी बताया नहीं आपने, क्या है? कहाँ गई? अभी कहाँ इस टाइम? बॉडी से बाहर कहाँ है? अभी तो पकड़ी नहीं गई है, कट रही है, देखो एक बार कट रही है क्या, कटी हुई दिखाई देती है क्या, वही भाव दिखाई देता है। टोटली बेड रेस्ट बता दिया, हिलना नहीं है डुलना नहीं है, तो इसके बच्चे को कौन खिलाएगा? डॉक्टर? तो बच्चे 7 साल हो गए ऐसे ही टोटली बेड रेस्ट बता देते हैं, गर्भ आता है बेड रेस्ट, ठीक है कि नहीं? बताइए बेड रेस्ट। देखो वो बेड रेस्ट बताते हैं तो उनको पैसा मिलता है। स्कूल में जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं वो ये कहते हैं, तुम बस स्कूल में दे जाओ बच्चों को, टॉयलेट हम साफ करेंगे, तुम्हें घिन आती है,
पेशाब हम साफ करेंगे, बस जो कमाओ पैसा देते रहो। बच्चा तुम्हारा टॉयलेट कोई और साफ कर रहा है, फिर सोचो कि तुम्हारा बच्चा जाने मम्मी पापा की सेवा करे माता पिता की, तो नहीं करेगा भाई। सांस चढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, डर रही है तू क्यों, घबराहट हो रही है। नहीं अब तो इसको कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी एक्टिवनेस नहीं दिखा रही है हमें तो। दहशत में इसी का बच्चा है? नहीं ये तो मेरी भांजी देवता जी देवती है। अच्छा ये इसका तो तू क्यों भाई, ये फिर इसको भी दर्द है जी, वो सेम पेशेंट है, इसको भी एक दो साल से दर्द है, कभी ऑपरेशन करा दिया, कभी कैंसर बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है। इसके गोले दो। दर्द हुआ? नहीं। फिर कहाँ डर रही है? मुक्त है? अभी तो मुक्त है ना? फिर क्यों डर रही है? कहाँ से डर रही है? अच्छा झुको। अरे दर्द हो रहा है क्या? नहीं। फिर कहाँ डर रही है? डॉक्टर ने कह दिया रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, मुड़ गई। रीढ़ की हड्डी तो सभी की मुड़ी हुई है, डॉक्टर की भी मुड़ी हुई थी, सीधी नहीं थी। पता है तुझे मुक्ता? पूछा तूने डॉक्टर साहब आपकी सीधी है क्या? अब पूछ लेती तो। बोल दे जय शनिदेव। मैं डॉक्टर इस विषय में करोड़ों वर्ष लगा दे तो बस केवल आपको दवाइयां और ये सब चीज पकड़ा सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। कितनी दवाई खा रहे हो आप, उसमें नशे की कितनी है, इससे आपके टिश्यूज फूल जाएंगे, बॉडी और फूल जाएगी और मोटे हो जाओगे। नहीं आया समझ में? फिर बोल दो जय शनिदेव।